अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद आज व्लॉग बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी ना कोशिश करूँगा कि ना सारे का सारा व्लॉग मैं आपसे डेली का डेली बनाऊँ। यार भी मैं ना कुछ मसरूफियात आ गई थी जिससे उसे नहीं बना सका, और बहुत से भाई पूछ रहे थे कि आपका बहुत से तो नहीं, खैर एक दो ही पूछ रहे थे भाई कि आपका व्लॉग नहीं आया। तो बस इंशाल्लाह बस व्लॉग आ जाएगा, बस यार थोड़ी मसरूफियात हो गई थी ना, तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ सका। लेकिन जो अब सेटअप पे चेंजेस हो गई हैं ना, तो आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं आज। आप आज है ना, आपको सारी जो ना सेटअप पे चेंज हुआ ना, सारा सेटअप वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आगे भी सेटअप को ग्रो करने के बहुत ज़्यादा प्लान हैं, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये काम होता रहेगा। तो मुझको भी मेल भी अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे मार रहा था दोस्तों, फिर आज आपको सेटअप की फुली अपडेट देना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है सेटअप पे, बिल्कुल सेटअप पूरा बदल चुका है। ऐसा कुछ हो चुका है ना कि मैं शूट भी नहीं कर सका, व्लॉग बना भी नहीं सका। तो इधर सबसे पहले मस्क भी डाक के बच्चे आ जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। माशाल्लाह से देख सकते हैं कि मस्क भी फीमेल के बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह। इनके साथ मैं बहुत मस्ती करता हूँ, इनके साथ बहुत मज़ा आता है, बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, सही कह रहा हूँ ना मैं, माशाल्लाह। ये देख सकते हैं मेरे ख्याल इनमें एक फीमेल और चार मेल है, तीन मेल है, और उसके बाद मस्की मेल। यहाँ कुछ चूज़े हैं इनके बारे में भी आपको इन बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दुलारी दिखा देते हैं। दुलारी के भी कुछ बच्चे निकल आए हैं माशाल्लाह, दुलारी देख सकते हैं, दुलारी और उसके बच्चे फिर रहे हैं। दुलारी के दो बच्चे निकले हैं, ये असील वाला बच्चा निकला है और ये गंजा बच्चा है दोस्तों। जो इसके जो अपने जाती बच्चे, जो इसने अपना एक बच्चा मार भी दिया दोस्तों, और कुछ बच्चों को छोड़ दिया, और ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ भी है बिल्ली के साथ भी। अभी यहाँ पर ना लड़ाइयाँ करने की कोशिशें कर रही थी बिल्ली ने, यार दोस्तों बहुत तमाशा लगाया हुआ है। और दोस्तों आज एक बैड न्यूज़ भी है, कुछ कबूतर हमारे गायब हो चुके हैं। तकरीबन छः कबूतर थे जिनमें से दो अभी वापस आए हैं, ये वाला जो मेरा हैंड टेम था, बाकी सारे ना पट्ठे ही ना गायब हुए हैं। जितने भी पट्ठे कबूतर थे ना वो सारे ना गायब हो चुके हैं, उनका पता ही दिखा गए हैं। अभी दो वापस आए, बाकी ना मिल ही नहीं रहे, उनका पता ही नहीं, अट्टा पता ही नहीं क्या वो बच्चे वो कबूतर गए कहाँ, कोई अट्टा पता ही नहीं। और दोस्तों एक नई बात है कि ये जो हमारी ये जगह है ना, जो हमारे केज हैं, इनके दरवाजे हमने ना बड़े करवा लिए हैं, ये देखना फुल साइज़ का अपना दरवाज़ा कर दिया, एक मुर्गी छोट गई दोस्तों, जिसका दरवाज़ा भी हमने फुल कर दिया, फुल साइज़ का बना दिया। हमारे दूसरे भी यहाँ मज़े से रह रहे हैं, और दोस्तों आपको इंशाल्लाह भी दिखाते हैं पैरट्स अपने। और एक और भी ना अच्छी गुड न्यूज़ है, पैरट्स तो वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे दोस्तों। इधर चलते हैं, यहाँ पर गांव में फसलें लगाई हुई हैं दोस्तों, माशाल्लाह से देख सकते हैं फसल बहुत अच्छी तरीके से ना ग्रो कर रही है। इसे ना शाम को पानी देंगे, क्योंकि जो धूप का ये वाला टाइम होता है ना, इस टाइम पानी देना ना अच्छी बात नहीं होती। और दोस्तों आप सबको ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो, उम्मीद करता हूँ कि ईद अच्छी गुजरी होगी। अब तो वैसे ख़त्म हो गई है, बस गुजरी हुई ईद आपको बहुत बहुत ना मुबारक हो। और दोस्तों जो हेमिंग बर्ड थी ना, जो उसने वहाँ पर हमारे यानी कि उधर घोंसला बनाया था दूसरी साइड का, उसने वहाँ से अपना घोंसला ना ख़त्म करके यहाँ पर ले आई है, देख सकते हैं इधर बना लिया, तो इसका आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हेमिंग बर्ड है माशाल्लाह से। अब पता नहीं बच्चे सच्चे निकले हैं या नहीं निकले, बाकी ये देख सकते हैं प्लांट्स थे ये जो ये हैं, ये बड़ी अच्छी ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। फिंचेस हैं, इनके भी दो प्यारे से बेबीज चिक्स निकल आए हैं, बहुत ही अच्छे दो बच्चे निकले हैं अभी, इंशाल्लाह अगली दफ़ा ना और ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। तो इंशाल्लाह जी अभी आपको इनके बच्चे दिखाते हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। हाँ यार ये क्या, हाँ ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बच्चे कुछ सही से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये दो बच्चे हैं और ना ये बहुत बड़े बड़े हो गए, इनके पर वगैरह भी निकल गए हैं, और ये कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह मटकियों से बाहर निकल आएंगे मटकी से। और ये फिंचेस बहुत ही अच्छे से इन्हें फीड वगैरह ना दे रही हैं माशाल्लाह। बाकी सेटअप पे आप देख सकते हैं चेंज हो गया काफ़ी हद तक, और भी एक आध अपडेट है वो भी आपको बताते हैं। और जो दोस्तों ये चूज़े थे ना, ये जो मेरे पहले 5 चूज़े निकले थे मैंने आपको दिखाए थे दोस्तों, हम ना चूज़ों को इधर बंद करते थे, अब तो इस केज की जाली चेंज करवा दी है। बिल्ली आके ना एक चूज़ा उठा आ गई थी यहाँ से, जो बहुत ही अच्छा ना ब्राउन कलर का चूज़ा था वो ले गई थी, मेरा बहुत अच्छा चूज़ा, वो चूज़ा ना गया, फिर इसलिए हमने ये सारा सेटअप पे
सेटिंग शेटिंग करवाई, जाली लगवाई, दरवाजे भी बड़े करवाए थे, वो भी करवा लिया। अब इसमें टोटल 6 चूजे हैं, 4 जो पहले वाले चूजे आपको दिखाए थे, एक न्यू गंजा निकला था चूज़ा वो है इसमें, और एक और चूज़ा है वो भी ये है येलो कलर का, उसे ना दलाली ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे ना मार के भगा दिया था इसने, तो एक वो चूज़ा। और आपको एक और बहुत मेन और अफसोसनाक अपडेट है वो देते हैं दोस्तों, मैं इसमें नेचुरल लाइब्रेरी में चुका हूँ, नेचुरल लाइब्रेरी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, नेचुरल लाइब्रेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं रहा नेचुरल लाइब्रेरी में। लाफिंग डफ ने अगले किया था आपको जैसे कि पता है, लाफिंग डफ के साथ क्या हुआ, उसके दो बच्चे निकल आए थे, इतने इतने हो गए थे, यहाँ आती थी बिल्ली, मेरा ख्याल है बिल्ली ने ना इधर से जंप की और इसके बच्चे जाके ना उठा लिए, और उस दिन के बाद ये लाफिंग डफ ना इधर नहीं आई, और ना वाइल्ड स्पैरो ने जैसे कि आप देख सकते हैं इधर नेस्ट बना लिया था, और वो भी डर के भाग गई बिल्ली की वजह से, तो बिल्कुल बर्बाद ख़त्म हो चुकी है नेचुरल लाइब्रेरी, नेचुरल लाइब्रेरी में कुछ रहा ही नहीं दोस्तों, वजह से अल्लाह की मर्ज़ी दोस्तों बस। और दोस्तों इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बच्चे ये आपने सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं पता नहीं, 1K से ऊपर हो गए हैं तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से हुआ है, आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ है ये, तो इंशाल्लाह आप और भी सपोर्ट करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, तो इंशाल्लाह आपको डेली के डेली अच्छी अच्छी अपडेट देनी है, और अब आगे बहुत सारे बहुत ज़्यादा ना प्लान है आगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे, और अभी आपको और अपडेट्स भी इंशाल्लाह देते हैं आज। आप तो ज़रा आज यही अपडेट थी आपको मैंने समझा रहा हूँ सब के बारे में चेंजेस हुई हैं, ताकि आपको पता हो ना फिर आगे जाने वाले वाली वीडियोज़ में आपके साथ साथ जुड़े रहें और आपको अच्छे से अपडेट देते रहें। तो दोस्तों बस अब पूरे सेटअप को ना ओपन करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सबसे लास्ट में ना मुर्गियाँ वगैरह खोलते हैं, पिजन्स वगैरह खोल रहे हैं, ये चूजे भी खोल रहे हैं, ये छोटे चूजे हैं, जिस आपके दाना पानी करेंगे, दाना पानी डालेंगे उनको, मछली उसके बच्चे भी दिखाए रह जाएंगे, और दुलारी भी बड़ी बेताब है रहने के लिए, इसके बच्चे ना मेरी आवाज़ पे नहीं लगते, मैं जैसे उन्हें चेकी चेकी करके बुला लेता हूँ ना, ये इसके बच्चे बड़े चलाक हैं, इसके बच्चे ना इसके साथ ही रहते हैं, वो नहीं देखते, और ये बड़ी अग्रेसिव भी हुई है, बड़ी अच्छी फीमेल बनी हुई है, ये असली बच्चे हैं माशाल्लाह से, मस्किन मारना नहीं है बच्चों को, ये उम्र में लड़ाई स्टार्ट हो गई। दोस्तों दो बच्चे निकले थे जिसमें से इसने इसे दुलारी ने अडॉप्ट नहीं किया, इसे मार के ना बेचारे को भगा दिया, तो ये इन बड़े चूज़ों के साथ रहता है ठीक है, और मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए सारे, बस रोज़ का यही काम है, ये रोज़ मेरे ना कपड़े गंदे कर देते हैं, तो बस अब यहाँ पर ये सेटा शटा को क्लोज करने के बाद ही चेंज करूँगा, तो अभी इन्हें बंद शंद कर देते हैं सबको। अब मैं देखना इन सब का ना दाना पानी करता हूँ और फिर आपसे मिलूँ। दोस्तों मैं इन सब को ना दाना पानी डाल रहा था, और पिजन्स वगैरह भी दाना पानी खा रहे हैं, और मस्की डॉग फीमेल जो है ना यार इस स्विमिंग पूल को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ना मस्की फीमेल के लिए ना अलग से जगह ना तैयार की, और आजकल मस्की मेल भी ना कुछ नहीं कह रहा, वो उधर कोने में खड़े हैं, तो आपको अगर दिखाते हैं माशाल्लाह से दोस्तों ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बच्चे मस्ती कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा इनके साथ मस्ती वगैरह करता हूँ, और अभी ये देख सकते हैं किस तरह ये बच्चे, और जो मस्ती फीमेल भी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है, और जो दुलारी है ना वो भी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है, और मस्ती मेल वो खड़ा है माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह मस्ती चेक करें बच्चों की, ये देखें ये देखें पानी में होता हो रही कैसे कर रहे हैं, ये देखें इनकी भगदड़ देखें, अभी ये पानी से निकल के इधर पूरी जगह पर अच्छे तरीके से भागेंगे, और ना बड़ा ही मज़ा आएगा इनके साथ ठीक है, ये देख सकते हैं पानी इधर फुल होने देते हैं, ये बड़ी मस्ती कर रहे हैं बच्चे, मैं अगर इन सबको दाना पानी डाल रहा था, और पिजन्स वगैरह भी जो है ना यहाँ आराम से ना खा पी रहे हैं, और वो छोटे चूज़े भी इधर घुसे हुए हैं, और इंशाल्लाह भी कुछ दिन में ना एक और क्लच निकलवाना चूज़ों का, ताकि सर्दियों के लिए उस बच्चे को देखें इतनी देर तक ना अंदर मुँह डाल के बैठा हुआ वाला बच्चा, मेरे हाथ पे ज़रा मिट्टी लगी हुई है, तो देख सकते हैं वो बच्चा भी इतनी देर तक अंदर ना
मुंह डाल के आराम से बैठा हुआ है और बड़े ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, तो इन्हें मस्ती करने देते हैं माशाल्लाह से। दोस्तों देख सकते हैं पूरे सेटअप पे चीज़ें वगैरह, बर्ड्स वगैरह कितने आराम से फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, मस्ती शस्ती कर रहे हैं। पैरट्स भी बैठे हुए हैं आराम से माशाल्लाह, देख लें बस आप कितनी यानी कहना मस्ती है और यह सेटअप है पूरे माशाल्लाह माशाल्लाह से। दोस्तों आज ना पहली दफ़ा जब से बच्चे निकले ना मस्ती में इनके इतना क्लोज़ आया है, और भी मैं भी क्लोज़ आने दे रहा हूँ बच्चों को, बच्चों के ताकि यार फ्रेंडशिप वगैरह हो इनमें। तो भी कुछ कह नहीं रहा मस्ती मेल, उम्मीद है कि आगे भी बच्चों को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बच्चे भी ज़रा बड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं ज़रा। वो देखें वो मुझे दूर करने आया है, तो बस हम भाई दूर जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहते, बस आप ज़रा ख्याल रखना। मैं दूर चला गया हूँ, तो देखें ये यहाँ पर अटैक करने आ रहा है मेरे पे। देखें ये यही हरकत इसकी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से ना इसे बंद रखना पड़ता है। दोस्तों ये देख लें, तो आज मैंने आपको फुल अपडेट दे दिया सेटअप की, सेटअप पे जो जो चेंजेस हुए हैं, जो भी कुछ बदलाव हुआ ना, यानी कि फुल अपडेट ना आपको दे दिया मैंने। तो ये है ना मस्क भी और उसके बच्चे मेल के साथ ना सही फिर रहे हैं, आज इन्हें छोड़ा और अब ना मेल इन्हें कुछ नहीं कह रहा, तो बस अब ये खतरे से ना खाली है, तो बस अब इन्हें छोड़ सकते हैं। यानी कि अभी इधर और बड़े होंगे तो बस फिर इन्हें बांध के करेंगे बाहर ही फिरते रहेंगे, ताकि बिल्ली का भी मसला होता है ना, और फसलों को भी पानी शाम को लगाना है, फसलें भी आप देख सकते हैं बल्कि अभी पानी लगाता हूँ, और मुर्गियाँ वगैरह भी खोलनी है दोस्तों। ठीक है मुर्गियों ने देखते अंडे दिए हैं नहीं, और ये दरवाजे बड़े करवा लिए हैं दोस्तों, इसका बहुत ना अच्छा हो गया ये माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह दोस्तों अंडे वगैरह भी हैं माशाल्लाह से देख सकते हैं, अंडे भी बहुत अच्छे से ना ये ले शेयर कर रही हैं अगले। तो दोस्तों ये अंडे रखता हूँ फिर आपसे ना बात चात कर रही हूँ। तो दोस्तों आगे ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रखी है सेटअप ग्रो करने के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेटअप वगैरह ग्रो भी करना आपके सामने हो रहा है इंशाल्लाह, और भी करना है। और दोस्तों ये जो हैंड टेम वाला ये बच्चा था ना तो ये बच्चा ना हैंड टेम मेरे से नहीं हुआ, इसे मैंने ना इधर ही शामिल कर दिया है। ये बच्चा खड़ा है ये वाला, इसे मैंने इधर ही शामिल कर दिया, अब ये इधर ही रहता है। और ये नए चूज़े हैं, ये भी बड़े मज़े से खेल रहे हैं, और अब ना गंजी के कुछ अंडे जमा करने और उसके चूज़े वगैरह निकलवाने हैं। दोस्तों इंशाल्लाह कल से आपको सही से अपडेट देंगे, आज तो अगर आपको समझाना था। दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, और अपने प्यारों का भी बहुत बहुत दोस्तों ख्याल रखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।